अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सिंस मोस्ट ऑफ यू हैड कनेक्टिविटी इशूज एंड माइट नॉट बी एबल टू एंड माइट नॉट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ CPA, तो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो, दिस लेक्चर वीडियो. दिस वॉज अपेरेंटली द आइडिया वॉज सजेस्टेड बाई माई स्टूडेंट्स. तो इवन इफ यू वर नॉट एबल टू ग्रास्प इट इन द क्लास, द क्लास द कॉन्सेप्ट इन द क्लास, यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस वीडियो अगैन. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू द अटेम्प्ट दैट इज बींग डिस्कस्ड, इट्स गोइंग टू बी March 18, 32. यू कैन सिंपली सी that I have mentioned the paper as well, the attempt as well, and this is a typical question of CPA. Acha, as we solve, I'm going to zoom out the screen a little bit. As we solve the CPA, so I'm going to start from the very basic, from the very scratch. ठीक है. अच्छा, अब देखो, पहली चीज़ जब हम लोग बात करते हैं CPA की, we always start off with a basic node. ठीक है, तो we are going to start off with a basic node and we are going to number it as 1. अब एक चीज़ दैट यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल ऑफ, आई वुड से ऑलवेज व्हेन यू गो थ्रू CPA, ऑलवेज ऑलवेज पॉइंट आउट टू थिंग्स. व्हाट टू थिंग्स एम आई टॉकिंग अबाउट? नंबर वन, द फीजिबिलिटी ऑफ जॉइंट नोड्स, एंड नॉट जस्ट जॉइंट नोड्स बट द स्टार्टिंग एक्टिविटीज. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ. इफ यू सी इन दिस पर्टिकुलर केस, any particular activity that has more than one preceding activity would require a joint node, as in the case here and as in the case here. So I would suggest that you write joint node in front of them or at the side, so that you don't forget and you don't land up making individual nodes. That is a very big blunder, sorry, not big but very common blunder that students commit. So first we start off with a basic node that has been numbered 1. And then as you can see, it's only A that requires none of the activities, therefore implies that it's a very basic activity, and we write the duration onto the path. Alright, now we can see from the data that activity, if I talk about activity B, it requires A to be finished, same goes for activity D, and obviously H follows the same trend. सो दिस मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास ए ख़त्म होता है, हमारी तीन एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं. ठीक है, हमारे पास एक्टिविटी बी भी स्टार्ट होती है, एक्टिविटी डी भी स्टार्ट होती है, और फाइनली हमारे पास एक्टिविटी एच भी स्टार्ट होती है. तो हमने बी की ड्यूरेशन लिख दी 2, हमने डी की ड्यूरेशन लिख दी 1, और हमने एच की ड्यूरेशन लिख दी 4. ठीक है. अच्छा जी, आप ज़रा गौर करते हैं. सी कहता है मैं जब स्टार्ट हूँगा जब बी ख़त्म हो जाए. ठीक है, मेक सेंस. तो अभी तक हमने क्या क्या बना लिया? हमने ए बना लिया, हमने बी बना लिया, हमने ए बना लिया, हमने बी बना लिया, हमने डी बना लिया, हमने एच बना लिया. सी पे आते हैं, सी कहता है मैं जब स्टार्ट हूँगा जब बी ख़त्म हो जाए, कोई मसले की बात ही नहीं है. ये रहा बी हमारे पास, हमने इसको यहाँ पर एंड किया, हमने यहाँ पर 3 लिखा, और हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया सी, और नीचे लिख दी ड्यूरेशन 1. ठीक है. अच्छा, ई कहता है मुझे सी और डी का ख़त्म चाहिए, तो कोई मसले की बात ही नहीं है, नो प्रॉब्लम. वी ऑलरेडी हैड ड्रॉन बी, वी हैव सी, वी आर गोइंग टू लिंक बोथ ऑफ देम टुगेदर. ठीक है, मैंने नोड नंबर दिया 4, और फिर मैंने आगे जो है ना यहाँ से क्या निकाल दिया, मैंने यहाँ से ई निकाल दिया, और इसकी नीचे ड्यूरेशन लिख दी 4. नोट कि मैं फ़ौरन एक्टिविटी बनाने के बाद ना उसके आगे नोट नहीं बनाता, मैं पाथ को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू. क्योंकि देन अगेन ना, जॉइंट नोड जहाँ पर होगा उधर यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल. ठीक है. अच्छा, तो हमने ई भी बना लिया, वी आर डन विद ई एज वेल. लेट्स मूव ऑन टू एफ. एफ क्या कहता है और जी क्या कहता है? एफ और जी दोनों कहते हैं हम लोग ई के बाद स्टार्ट होंगे, तो कोई मसले की बात ही नहीं है. हमने यहाँ पे ई को ख़त्म किया, इधर से हम लोग ऑब्वियस ही बात है दो एक्टिविटीज़ का स्टार्ट लेना है, एक्टिविटी एफ एंड एक्टिविटी जी. एक्टिविटी एफ के अंदर ड्यूरेशन 2, जी के अंदर ड्यूरेशन 3. सही है. अच्छा, अब सिंस वी हैड ऑलरेडी ड्रॉन एक्टिविटी एच, नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद एक्टिविटी जे, और जे कहते हैं मुझे एफ जी एच तीनों का एक साथ में ख़त्म चाहिए, तो कोई मसले की बात ही नहीं, हम लोग आराम से जॉइंट नोड बना देंगे. यानी कि हमें एच को स्ट्रेच करना होगा, एफ यहाँ ख़त्म हुआ, जी यहाँ ख़त्म हुआ, एच यहाँ ख़त्म हुआ, हमने इनको मिलाकर एक कॉमन नोड बनाया, और इस कॉमन नोड के बाद हमने इस पॉइंट को मज़ीद एक्सट्रैक्ट किया, सॉरी मज़ीद स्ट्रेच किया,
जे बनाया, जे का पार्ट डाला एंड देन वी आर डन विद आर सी पी ए. तो वी कैन सी दैट देयर आर 7 नोड्स इन टोटल, ठीक है, और ये हमारा सी पी ए का पाथ कंस्ट्रक्ट हो चुका है. अगर आपको पाथ समझने में कोई भी मसला हुआ है तो आई विल सजेस्ट दैट यू गो बैक इन दिस वीडियो एंड ट्राई टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाथ, ठीक है, सो दैट द नेक्स्ट स्टेप दैट रिक्वायर्स फिलिंग इज रिलेटिवली ईजियर फॉर यू. ठीक है जी. अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूँगा ई एस टी से, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से. और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मैंने आप लोगों को रूल बताया, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट. तो हमने यहाँ पे जो है वो ज़ीरो लिखा. अब ज़ीरो प्लस एट, ये जो आप एट देख रहे हैं, तो ज़ीरो प्लस एट इज़ गोइंग टू गिव अस एट. ठीक है, मैंने यहाँ पे एट लिख दिया. अच्छा, ई एस टी में जिस तरह रूल आपको याद क्या रखना है, आपको ई एस टी के अंदर ये रूल याद रखना है कि जहाँ पे कॉमन नोड आएगा उधर मुझे लार्जेस्ट आंसर को कंसिडर करना है, हाईएस्ट आंसर को कंसिडर करना है. लेकिन जहाँ पे कॉमन नोड आए उसके अलावा कोई मसला नहीं है. एट प्लस टू करेंगे आंसर कितना बन रहा है, टेन. अब इस नोड को ज़रा देखो दो मिनट के लिए. अगर आप इस नोड को देखो तो इस नोड की तरफ दो पाथ्स हैं, दे आर टू पाथ्स. पाथ नंबर वन इज़ यू कैन ऐड टेन प्लस वन एंड पाथ नंबर टू इज़ दैट यू कैन ऐड एट प्लस वन. यानी या तो आप इधर से चले जाओ या फिर आप इधर से चले जाओ. ये दो पाथ्स हैं आपके सामने, ठीक है, जिसे आप क्लियरली देख भी सकते हो. तो आप वाला आंसर लोगे जो आपको, वाला पाथ लोगे जो आपको बड़ा आंसर दे रहा हो. और अगर आप देख भी सकते हैं तो द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट आंसर अमंग्स द टू, द ग्रेटर आंसर अमंग्स द टू इज बेसिकली 11. तो आई एम गोइंग टू राइट 11 हियर. अच्छा, फिर 11 प्लस 4 किया तो 15 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है. अब देखो, अब इस नोट तक पहुँचने के तीन रास्ते हैं. कौन से तीन रास्ते हैं? या तो मैं ई एफ से चले जाऊँ या मैं ई एफ से चले जाऊँ. अगर मैं ई एफ से जाता हूँ तो वो हो जाएगा 15 प्लस 2, या फिर मैं ई जी से चले जाऊँ, और अगर मैं ई जी से जाऊँगा दैट वुड बी 15 प्लस 3, या फिर मैं सब छोड़ूँ और मैं आ जाऊँ, ये रहा, मैं आ जाऊँ ए एच से. अगर मैं ए एच से आता हूँ दैट वुड बी 8 प्लस 4. 15 प्लस 2 गिव्स मी 17, 15 प्लस 3 गिव्स मी 18 और 8 प्लस 4 गिव्स मी 12. तो हाईएस्ट आंसर कौन सा है, 18. मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 18. 18 प्लस 1 19. ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स थे. इस वाले नोड पे भी यू हैड टू डिफरेंट पाथ्स. यू कुड हैव गॉन थ्रू बी एंड डी और यू कुड हैव गॉन थ्रू ए एंड डी. या तो आप ए और डी से आते, 8 प्लस 1 करते, या फिर आप, सॉरी, यू कुड हैव गॉन थ्रू बी एंड सी और यू कुड हैव गॉन थ्रू ए एंड डी. तो अपेरेंटली आपने जो पाथ कंसिडर किया वो कंसिडर किया बी और सी का, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे 11 लिखा है. ऐसा ही है ना, हमेशा रूट देख लिया करो कि रूट कौन कौन सा कहाँ से आ रहा है, ठीक है. अच्छा, हमने ई एस टी तो फिल कर लिया. अब एक काम करते हैं, जरा एल एफ टी पे बात करते हैं. एल एफ टी के लिए हम इसी वैल्यू को नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे. अब लेट्स सबट्रैक्ट. तो 19 माइनस 1 यहाँ पे आ गया 18. अच्छा, अब आ गया कॉमन नोड 18 माइनस 3. अब देखो ना, वापस देखो, एक पाथ हमारे पास क्या आया है, हमारे पास ये पाथ आया है कि अगर मुझे यहाँ तक जाना है, अगर मुझे यहाँ तक जाना है तो यहाँ तक जाने के मेरे पास दो रास्ते हैं. दो रास्ते क्या हैं, या तो मैं चले जाऊँ जे और जी से, यानी 18 माइनस 3 से, दैट गिव्स मी 15, ये पहला पाथ, या फिर मैं चले जाऊं जे और एफ से, दैट वुड गिव मी 18 माइनस 2 एंड द आंसर वुड बी 16. तो दोनों में से छोटा कौन सा है, तो मैं ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या लिखूंगा, 15 लिखूंगा. इसी तरह अब मैं क्या किया, 15 माइनस 4 का आंसर क्या आया, 11. अब यहाँ तक जाने के भी तीन पाथ्स हैं. इस नोड तक जाने के नोड नंबर 2 के एल एफ टी के लिए तीन पाथ्स हैं. क्या तीन पाथ्स हैं, ज़रा यहाँ पे गौर करो, क्या तीन पाथ्स हैं इस नोड तक जाने की. अगर मैं नोड नंबर 2 की बात करूँ, देर आर थ्री डिफरेंट पाथ्स. व्हाट आर द थ्री डिफरेंट पाथ्स? एक जो पाथ है दैट इज फ्रॉम एक्टिविटी जे एंड एक्टिविटी एच. यानी आप 18 माइनस 4 करें, ये भी एक पाथ बन रहा, दैट इज 14. दूसरा पाथ आपके पास क्या है, दूसरा पाथ आपके पास सिंपली यह है कि आप किस तरफ से जाएं, ई, ठीक है, सी
बी, यानी एक तरीके से ये ई था, ई से आप 11 पे आए, ये रहा 11, 11 से फिर आपने सी माइनस किया मजीद और फिर आपने 2 माइनस किया, यानी एक तरीके से 11 माइनस 1 कितना बन जाएगा 10, और फिर 10 माइनस 2 8। तो अपेरेंटली ये क्या बन रहा है, ये अपेरेंटली ये बन रहा है कि आप एक रूट जो है आपके पास वही आया है कि आप 11 माइनस 1 माइनस 2 करेंगे जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा 8। और एक और पाथ क्या है आपके पास, एक और पाथ ये कि आप 11 माइनस 1 करें डायरेक्ट और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएं। तो अनदर पाथ इज ई एंड डी, और ई एंड डी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इट्स 11 माइनस 1 और मेरे पास जो आंसर आ रहा है अपेरेंट यहाँ पे वारे 10। अब इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये है, तो मैंने इधर क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट 8, 8 माइनस 8 गिव्स मी 0, तो मेरा वापसी में भी 0 आ गया। अभी आराम से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है सर इसमें क्रिटिकल पाथ की क्या कहानी है। अब देखो खुद गौर करो, मैंने इस दफ़ा तो पाथ भी लिखना शुरू कर दिए। अब देखो खुद गौर करो, देखो अगर गौर करो तो यहाँ पे 19, ये जो 19 है, जो यहाँ पे 19 लिखा है, हमें एक बार पता है कि 19 इज़ बेसिकली नोन एज द मिनिमम ड्यूरेशन, ऐसा ही है। 19 इस केस के अंदर कितने वीक्स हैं, तो वीक्स। अब बात आती है सर हाउ डू आई स्पॉट द क्रिटिकल पाथ, व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ। देखो यहाँ पे 19 कैसे आया, यहाँ पे 19 आया थ्रू सर्टेन एक्टिविटीज़ दैट यू कंसिडर, यू डिड नॉट कंसिडर ऑल द एक्टिविटीज़, यू कंसिडर सर्टेन एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे 19 यहाँ पर आया जहाँ यहाँ पर 18 लिखा गया, 18 प्लस 1 हुआ तो 19 आया, 18 प्लस 1 हुआ तो 19 आया, ऐसा ही है। तो एक एक्टिविटी तो सर तय हो गई, एक एक्टिविटी कौन सी, एक्टिविटी जे। फिर यहाँ 18 कैसे आया, यहाँ पे 18 कैसे आया, ऊपर देखो ये तीन तीन चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पे 18 आया थ्रू दिस पाथ, कौन सा पाथ था, ई और जे। यहाँ पे अपेरेंटली 18 किस तरह आया, जब आपने 15 में 3 ऐड किया था, ऐसे ही आया ना। तो एक एक्टिविटी जी आ गई आपके पास और एक एक्टिविटी ई आ गई आपके पास, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे 11 किस तरह आया, यहाँ पे 11 आया जब मैंने 10 प्लस 1 किया तब 11 आया, सी भी आ गई। फिर बात आती है यहाँ पे 10 किस तरह आया, 10 आया जब मैंने 8 प्लस 2 किया, यानी बी भी आ गया। और यहाँ पे 8 किस तरह आया जब मैंने 0 प्लस 8 किया, यानी ए भी आ गया। अब आपके ऊपर है, आप रिवर्स में जाएं, आप स्ट्रेट में जाएं, स्ट्रेट भी देखें तो आप ये देख सकते हैं कि वाइल हैविंग वाइल गेटिंग 8 हेयर आई कंसिडर्ड ए, देन आई गॉट 11 हेयर, तो हाउ डिड आई गेट 11 हेयर बाय कंसिडरिंग बी एंड सी। और यहाँ मैंने पाथ लिखा हुआ भी है, ये रहा, दो पाथ्स थे, मैंने ये वाला किया, ये वाला नहीं करा, ये वाला पाथ कंसिडर किया, यानी ये दोनों एक्टिविटीज़ क्रिटिकल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 15 यहाँ पे किस तरह किया, जब मैंने ई को कंसिडर किया, अब यहाँ पे 18 आया, जब यहाँ पे 18 की बात हुई थी तो तीन पाथ्स थे, ये वाले कंसिडर नहीं करे थे, ये करे थे, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आनी, ई और जी, तो ई भी कंसिडर कर लिया, जी भी कंसिडर कर लिया, जे भी कंसिडर कर लिया। तो माय क्रिटिकल पाथ यानी माय क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आर ए बी सी ई जी जे एंड माय मिनिमम ड्यूरेशन इज़ 19 वीक्स, ठीक है। तो आई होप इसके बाद आप लोगों को समझ आ गया हो, क्योंकि कमिंग क्लासेस के अंदर फिर ऑब्वियसली इसमें मज़ी टेक्निकलिटीज़ भी आती हैं। एक बात का ख्याल कीजिए सर, अगर ए के बजाय बी के आगे भी डैश होता है, सी के आगे भी डैश होता है प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ में, तो हम क्या करते हैं, तो हम बेटा स्टार्टिंग नोट से ही मज़ीद पाथ्स निकालते, हम मज़ीद नोट्स नहीं बनाते, हम स्टार्टिंग से ही मज़ीद पास निकालते हैं, ठीक है, सही है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में। आई होप इट हेल्प्स, डू शेयर योर फीडबैक।